तो दोस्तों आज आपको बताने वाला हूँ टाइम्स कार ऐप के थ्रू कैसे कार बुकिंग करनी है। तो फटाफट करते हैं बुकिंग स्टार्ट। तो पहले आप जाओ टाइम्स कार ऐप पे। सबसे पहले क्या करना है, आपकी लोकेशन ऑटो डिटेक्ट कर लेगा अगर आपने परमिशन दी है। तो सबसे पहले आपको डिपार्चर टाइम सेट करना है। तो इसमें जाओ ऑप्शन पे। तो लेट्स सी, मंडे का लेते हैं क्योंकि मंडे को गाड़ी मिलने के चांस ज़्यादा हैं। तो लेट्स सी, हम सुबह 10 AM का लेते हैं स्लॉट सेट। देन आपको क्या करना है, तीन पार्किंग तो दिख गई यहाँ पे, बट अभी आपने रिटर्न टाइम सेट नहीं किया, तो रिटर्न टाइम आपको पहले यहाँ से सेट करना है। तो अगेन मंडे का ही हमने 4 o'clock सेट कर दिया। अब देखो यहाँ पे तीन जो है पार्किंग जो है येलो कलर में चेंज हो गई, दैट मीन्स कि यहाँ तीनों में कार अवेलेबल है। तो एक काम करते हैं, किसी भी एक पार्किंग में जाके गाड़ी बुक करते हैं। लेट्स इसमें गए, जैसे ही आप उसको टैप करोगे तो आपके पास कार अवेलेबल कार के ऑप्शन आएंगे। तो एक कार तो ये है एक्वा, और इसमें टाइम दे रही है, बता रहा है कि सुबह 10 से लेकर रात के 9 बजे तक ये कार अवेलेबल है, जो यहाँ पे आपका ग्राफ बना हुआ लेजेंड है। देन एक और कार अवेलेबल है नोट ई पावर, एंड देन एक और कार है यारिस। तो जो भी आपको कार चूज़ करनी है आप उसको चूज़ करके बुकिंग कर सकते हो। तो आप आगे करो बुकिंग। लेट्स से हम इसको पहली कार चूज़ करते हैं। अभी आपको ऑप्शन देगा एक सेफ्टी पैक खरीदने का, जिसको आपको लेना ही है, आप लेफ्ट वाला ऑप्शन चूज़ कर लो। अभी आपको डिटेल दे रहा है, जैसे कि 18th है यहाँ पे, 18th को 10 AM से लेके 4 PM तक 6 घंटे का आपको चार्ज लगेगा, ठीक है। और इसमें एक्सटेंशन जो है अभी 0 मिनट है। चार्ज कितना है आपका, 4290। जो आपने पहले ऑप्शन चूज़ किया था वो ये रहा, जिसमें सेफ्टी पैक। अब आपको ये दिखाता हूँ मैं कि इसमें चार्जेस जो चार्ज प्लान है क्या क्या। तो ये ऑप्शन यहाँ पे है। अब होता क्या है, यहाँ पे है तीन ऑप्शन, तीन क्लास एक्चुअली यहाँ पे, एक है बेसिक, मिडिल और प्रीमियम। तो बेसिक का जैसे कि बेसिक का है 4290 6 hours का, मिडिल का देखो 6490 एंड प्रीमियम का आपका 8690। तो डिपेंडिंग कौन सी कैटेगरी लेनी है आपको, आप गाड़ी बुक कर सकते हो। तो बेसिक पे चलते हैं फिलहाल। तो पहला क्या दिखाता है कि आपका टाइमिंग के हिसाब से क्या है, 220 yen per 15 minutes का है, ठीक है। एंड देन 6 hours 12 hours 24 hours के हिसाब से आपको पूरी जो है आपका रेट चार्ट दिया हुआ है। उसके ऊपर क्या कहता है, यहाँ पे नाइट पैक है जो है 2640, दैट मीन्स शाम को 6 बजे के बाद से लेकर सुबह 9 बजे तक, अगले दिन सुबह 9 बजे तक गाड़ी यूज़ करते हो, आपको 2640 पे करना है। और आपका डिस्टेंस के जो चार्जेस किलोमीटर वाइज, वो आपके 20 yen per kilometer। अब ये डिस्टेंस वाला कैसे फंड होता है आपको बताता हूँ, इसको बैक करते हैं। अब क्या चक्कर होता है कि जैसे 6 घंटे की बुकिंग करी है मैंने, अगर मैं शाम को 4 बजे ना आके 5 बजे लौटता हूँ तो क्या होगा, मैं 6 घंटे से 1 घंटा एक्सटेंड कर जाता हूँ। तो मुझे 1 घंटे के चार्ज देने पड़ेंगे टाइम के हिसाब से जो यहाँ बढ़ेगा, प्लस जो मैंने किलोमीटर रन किए हैं उसके भी x20 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लेट से मैंने 7 घंटे में 100 किलोमीटर गाड़ी चलाई, तो जो मुझे 100 किलोमीटर x20 वो भी मुझे पे करने पड़ेंगे। मगर अगर मैं 6 घंटे के अंदर गाड़ी वापस कर देता हूँ तो मुझे ये पैसे नहीं लगेंगे। तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है आपको, कितने घंटे की आप बुकिंग कर रहे हो। उसके बाद कुछ नहीं करना आपको, फाइनली आपको यहाँ पे आपका जो बुकिंग है उसको कन्फर्म करके यहाँ पे आप गाड़ी बुक कर लोगे, आपको ईमेल आ जाएगी। दूसरी चीज़, अगर आपने ऑलरेडी बुकिंग कर रखी है, जैसे मैंने ऑलरेडी कर रखी है, तो उसको चेंज करना है तो उसको कैसे करना है, तो आपको जाओ, आपका ये वाला ऑप्शन है जो आपका बुकिंग ऑप्शन है, बुकिंग ऑप्शन जाके ये आपको बुकिंग दिखाएगा क्या क्या है। और हाँ, इसमें ये भी है कि कैसे इस गाड़ी को यूज़ करना है, इस गाड़ी के फीचर चेक करने के लिए यहाँ वीडियो अवेलेबल है। तो इसको अगर आप टैप करोगे तो इस गाड़ी की डिटेल वीडियो आके यहाँ पे आप देखोगे, तो पूरी गाड़ी की डिटेल वीडियो आपको यहाँ पे सारे लिंक्स वगैरह सब मिलेगा, गाड़ी कैसे यूज़ करना है, चाबी कहाँ होती है, पूरा डिटेल है। तो ये भी देखना ज़रूरी है अगर आप गाड़ी यूज़ कर रहे हो टाइम्स कार की, इनके साथ नए हो। तो अभी बैक चलते हैं। तो आपको जब बुकिंग चेंज करनी है तो आप इसमें जाओ अदर ऑप्शन, इसमें जाओ माई पेज और इसमें डालो पासवर्ड। पासवर्ड डाल के आपका यहाँ पे ऑप्शन है चेंज योर बुकिंग, यहाँ पे जाके आपको जो भी चेंजेस करने हैं इसमें जाके चेंज वाले ऑप्शन जाओ लेफ्ट वाला, यहाँ पे कैंसिल करो। तो 10 मिनट पहले तक कैंसिल कर सकते हो, और आई थिंक चेंज भी आप 10 मिनट पहले तक कर सकते हो। तो इसमें जाके चेंज वाले ऑप्शन पे जाओ, और आपको जो भी चेंजेस करने हैं टाइम से लेके डेट वगैरह जो भी चेंजेस करने हैं उसको फाइनली चेंज करके आप उसको
कंफर्म करो, उसके बाद एक और कंफर्मेशन बटन था वो चेंज करके आपको उसकी आपकी अपॉइंटमेंट को बुकिंग को चेंज कर सकते हो। तो इसको फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, तो चलते हैं वापस। तो ये है तरीका आपकी गाड़ी बुक करने का और एनी चेंजेस इन दी प्लान का प्रोसेस। अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों चल पड़ा हूँ मैं गाड़ी पिक करने, घर के सामने ही है पार्किंग बिल्कुल। तो गाड़ी पिक करते हैं और दिखाते हैं आपको कैसे कैसे गाड़ी पिक करने का प्रोसेस क्या है, एंड देन चलते हैं नारिता एयरपोर्ट। देखो दोस्तों, मैंने ना एक एसेंशियल केस बना दिया ऐसे जिसमें गाड़ी में जाने के टाइम पे कुछ भी नहीं भूलूँ, जैसे कि आपके चार्जर्स और फर्स्ट टाइम में ड्राइविंग जो लोगो होता है वो सब मैंने सब इसमें डाल दिया, केस बना दिया ताकि गाड़ी में जाते हुए कुछ ना भूलूँ। फिर सामने गाड़ी है बीज कलर की टोयोटा एक्वा, इसको लेना है सेंटर वाली। तो गाड़ी अनलॉक करने के लिए आपको अपना टाइम्स कार्ड को टच करना है। तो गाड़ी हो गई अनलॉक, अब बैठते हैं गाड़ी में। तो गाड़ी में घुसते ही अनाउंसमेंट शुरू हो गई कि चाबी निकाल लो, सिगरेट मत पियो, नॉन स्मोकिंग कार है, ठीक है। तो गाड़ी निकालते हैं। ओके, उसके साथ साथ आपको करना है, आपके पास ETC होना ज़रूरी है, ठीक है। तो मेरा ETC कार्ड ये रहा, तो ETC को पहले इंसर्ट करना है यहाँ पे। इसको यहाँ पे भी कर सकते, बाद में कर सकते हैं, पहले गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। चाबी निकालनी है आपको यहाँ से, ये चाबी निकाल ली एंड गाड़ी स्टार्ट करके आपको। तो गाड़ी हो गई स्टार्ट, अब करते हैं अपना सीट एडजस्ट। ये जो स्टिकर है आपने काफ़ी गाड़ियों में देखा होगा, तो इसका मतलब ये होता है कि आप पहले साल में हो गाड़ी चलाने के, मतलब लाइसेंस लेने के बाद। तो इसमें क्या होता है कि पीछे जो चल रहा है या आगे चल रहा है उसको पता रहता है कि आप फर्स्ट न्यू ड्राइवर हो जो भी। हाँ, तो उसमें मेरे ख्याल जो हम ये चूज़ करेंगे तो फिर वो आपका इस्पान वाला आ जाएगा, यूरियो वाला ये कर देंगे तो ये वाला चार्जेबल आ जाएगा। ये ना रियो के 3700 नहीं 1500 लगता है, चेंज करो। तो दोस्तों पहुंच गया हूँ वापस ऑलमोस्ट घर के पास। तो आज की राइड की डिटेल बताता हूँ आपको और बिल वगैरह। तो अब निकलते हैं घर और राइड आज की एक ड्राइव ख़त्म करते हैं। तो अब गाड़ी को लगाते हैं पार्किंग में। सो दोस्तों गाड़ी कर दी है पार्क। सुबह में परेशान पता किस लिए हुआ, इस पैडल के चक्कर में। ये पैडल जो है ना मैं हटा ही नहीं पा रहा था, भूल ही गया था कि यहाँ पे भी आता है। मुझे लगा बस यहाँ से पार्किंग ऑफ करनी है और हो जाएगा, बहुत परेशान हुआ, आधा घंटा लेट हुआ, बट अल्टीमेटली हो गया। तो अब निकलते हैं, सारा सामान निकालते हैं, ETC कार्ड यहाँ से निकाल लूँ, बाकी चाबी रखते हैं और निकलते हैं गाड़ी से बाहर। चलो जी दोस्तों, एवरीथिंग इज डन। अब क्या करना है आपको, वापस अपना कार्ड यहाँ पे टच करना है। वो टच करता हूँ, ओप्स, गाड़ी हो गई लॉक और अब आपकी मिलिंग आ जाएगी। दोस्तों ये था छोटा सा व्लॉग, जो गाड़ी यहाँ से कैसे बुक करनी है और क्या क्या आपको गाड़ी का प्रोसीजर है। तो गाड़ी के हिसाब से नया थोड़ी दिक्कत भी हो जाती है अगर आप बहुत ज़्यादा यूज टू नहीं हो, नए हो जापान की गाड़ियों को लेके। तो ज़रूर गाड़ी का फीचर पहले देख लो, बट एनीवेज होता है। तो यही था, अब मिलते हैं आपको नई वीडियो में। देन सी यू, बाय।